80,000 मात्र 20 के दिसंबर की गाड़ी 470 मात्र 470,000 मात्र सबसे सस्ता स्कॉर्पियो इस सेगमेंट का मात्र 470,000 में आप स्कॉर्पियो लेके जाइए। सीतामढ़ी नंबर S11 क्लासिक है वही वाला इसमें लगाया गया है एकदम। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ यार्ड के अंदर और यार्ड में भी बहुत सारी स्कॉर्पियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ हैं स्कॉर्पियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पर आठ स्कॉर्पियो है, पीछे भी स्कॉर्पियो है। तो सीतामढ़ी के अंदर आपको बहुत सारी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी बैक टू बैक। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको कोई ना कोई गाड़ी जरूर पसंद आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं, यहाँ से एक गाड़ी है तो अभी सेल्समैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो। तो ये कौन सा गाड़ी, कौन मॉडल है? 13 का दिसंबर का गाड़ी है, LX। अच्छा, 2013 का हो गया, LX हो गई, दिसंबर का 2013 का LX मॉडल है। मुजफ्फरपुर की रजिस्ट्रेशन होने वाली है और कितना चला होगा लगभग? ये लाख पार होगा, लाख के करीब में चला होगा गाड़ी है। मतलब कि कहा जाए तो अगर आप भाड़े कमाने के लिए लेना चाहते हैं इस गाड़ी, गाड़ी को तो फुल टाइट गाड़ी, गाड़ी एकदम टाइट गाड़ी होने वाला है। इंजन वगैरह में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, फुल टाइट इंजन देख सकते हैं, टाइट गाड़ी है। क्योंकि अभी लगन आ रहा है तो आप भाड़े के लिए इस गाड़ी को ले सकते हैं। कितना में इसका प्राइस रहेगा? जैसे मात्र 5,25,000 बस। चलिए मात्र 5,25,000 में मुजफ्फरपुर की रजिस्ट्रेशन गाड़ी होने वाली है, ओरिजिनल नंबर होने वाली है। मतलब कहा जाए तो इसमें कहीं से कोई एंट्री वाली गाड़ी नहीं है, एकदम ओरिजिनल है। 5,25,000 में फाइनेंस में लगभग 1.5 लाख के करीब में लेके आइए और स्कॉर्पियो अपने घर लेके जाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट स्कॉर्पियो की बात करें, एक और स्कॉर्पियो, ये कौन सा है? 2018 का मॉडल गाड़ी S5 है। S5 है, S5 हो गई, 2018 मॉडल हो गई। कितना चला होगा लगभग? ये लगभग 74,000-75,000 किलोमीटर। चलिए ये सर्च लाइट लगा हुआ है, 74,000-75,000 के आसपास चली हुई गाड़ी है ये स्कॉर्पियो S5 ना। हाँ। पटना नंबर स्टेशन है। कितना इसका डिमांड रहने वाला है? 10,50,000। हाँ। 10,50,000 में ओरिजिनल पेंट गाड़ी, देखिए ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, बस बम्पर वगैरह कराया गया होगा वो तो जो रहता है, बाकी पेंट वगैरह सब ओरिजिनल है। देख लीजिए गाड़ी का इंटीरियर वगैरह भी देख सकते हैं, कहीं से कोई खर्च नहीं देख सकते हैं। मतलब गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल साफ सुथरी है, पूरा फुल टाइट गाड़ी है एकदम, कहीं से कंडीशन वाइज भी परफेक्ट गाड़ी होने वाला है। चलिए तो अगली गाड़ी की बात करें, एक और कम सेगमेंट वाली गाड़ी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाने वाली है। ये कौन सा है गाड़ी? ये स्कॉर्पियो EX है, 14 मॉडल EX हो गई। देख लीजिए गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाते हैं, देखिए खुला हुआ है, कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं है लगभग। ये गाड़ी में आपको स्क्रीन वगैरह भी लगा हुआ है, देख लीजिए डिस्प्ले लगा हुआ है गाड़ी में, न्यू टायर है, टायर देख लीजिए ब्रांड न्यू टायर इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। कितना इसका डिमांड है? मात्र 5,25,000 इसका, 5,25,000 चौदह मॉडल गाड़ी इसका भी 5,25,000 में आपको पड़ जाएगा। बाकी 1.5 से 2 लाख के बीच में आप डाउन पेमेंट करके इसको भी अपना बना सकते हैं। चारों टायर ब्रांड न्यू है, देख लीजिए भाड़ा कमाने के लिए तो एक्सपर्ट है स्कॉर्पियो, आराम से आप कहा जाए तो 30,000-40,000 तो महीने का अर्न कर ही लोगे। देख लीजिए स्कॉर्पियो EX माइक्रो हाइड्रो मिल जाने वाला है, गाड़ी है आपको सीतामढ़ी की रजिस्ट्रेशन ये। चलिए अगली गाड़ी की बात करें, एक यहाँ पे आपको वेन्यू देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए सीतामढ़ी के अंदर। क्या डिटेल होगा इसका, कौन मॉडल है ये? 20 का दिसंबर की गाड़ी है, 20 के दिसंबर की है, मुजफ्फरपुर की रजिस्ट्रेशन है। कितना चला होगा लगभग? ये 47,000 किलोमीटर चला हुआ, 47,000 चली हुई है। हुंडई की वेन्यू है, देख लीजिए टायर वायर भी एकदम न्यू है, ओरिजिनल टायर है और मॉडल है दोस्तों हुंडई वेन्यू का, मुजफ्फरपुर नंबर गाड़ी होने वाली है। देख लीजिए, देखिए कीलेस एंट्री आपको इसमें भी देखने को मिल जाने वाला है, देखिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं गाड़ी है, फुल डिस्प्ले में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगा हुआ है। देख सकते हैं गाड़ी के अंदर आपको लग्जरी सीट वगैरह सब देखने को मिलेगा, देखिए हर चीज आपको परफेक्ट कंडीशन की गाड़ी मिल जाने वाली है। कितना डिमांड है कर? मात्र 6,80,000 मात्र 20 के दिसंबर की गाड़ी, 20 के दिसंबर की गाड़ी और मात्र 6,80,000, इससे अच्छी डील मुझे नहीं लगती आपको मिलने वाली है। एक और स्कॉर्पियो, ये EX13 मॉडल है, EX13 मॉडल, हाँ। सीतामढ़ी नंबर रजिस्ट्रेशन होने वाली है और कितना इसका डिमांड रहेगा? 470 मात्र 4,70,000 मात्र सबसे सस्ता स्कॉर्पियो इस सेगमेंट का, मात्र 4,70,000 में आप स्कॉर्पियो लेके जाइए। ओरिजिनल सीतामढ़ी नंबर रजिस्ट्रेशन गाड़ी होने वाली है, देख लीजिए बिल्कुल न्यू कंडीशन की है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सर्च लाइट वगैरह भी लगा हुआ। अगला गाड़ी के तरफ आइए, अगला ये कौन सा गाड़ी है? 6+ है, ये 6+ स्कॉर्पियो, ये 6+ है, 15 की लास्ट की गाड़ी है, गाड़ी S11 के लुक में है। हाँ, जो S11 क्लासिक है वही वाला इसमें लगाया गया है एकदम, जो न्यू अभी शेप में आ रही है ना स्कॉर्पियो वो सेगमेंट की गाड़ी। कितना चला होगा? फुल टाइट ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। कितना चला है ये गाड़ी? चल गया 94,000 किलोमीटर, मात्र 94,000 चला हुआ है ना। कितना डिमांड है इसका?
इसका मात्र 780 780,000 चारों टायर न्यू। देखिए चारों टायर न्यू है एकदम। इंटीरियर भी देख लीजिए गाड़ी का, सब चीज आपको देखने को मिलेगा। स्कॉर्पियो S6 Plus देख लीजिए, आइए और अपना बनाइए सीतामढ़ी के S11 के लुक में गाड़ी, फुल्ली S11। हाँ S11 जैसा लग रहा है, कहीं से कोई नहीं कहेगा कि S6 Plus है, मैं भी देखा तो लगा कि S11 ही है। चलिए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आते हैं। ये कौन सी है? ये स्कॉर्पियो EX है M2 DI इंजन के साथ। रजिस्ट्रेशन कहाँ का? ये सीतामढ़ी का रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी में कहीं से कोई खर्चा नहीं होगा ना? कितना डिमांड है इसका? इसका डिमांड मात्र 470 470 में ये भी। चलिए 470,000 में अपना बनाइए, देख लीजिए गाड़ी में कहीं से कोई खर्च नहीं है, फाइनेंस तो हो जाएगा इस गाड़ी में ना एकदम। देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल फुल टाइट है गाड़ी में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आइए और अपना बनाइए गाड़ी दोस्तों, भाड़ा के लिए आप ले सकते हैं यहाँ से कोई भी गाड़ी। तो अगर आप सीतामढ़ी के अंदर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज एक बार यहाँ पर विजिट करिए गुरुदेव ऑटोमोबाइल के अंदर, आपको कोई ना कोई गाड़ी जरूर पसंद हो जाने वाला है। और आई होप कि आपको सभी गाड़ियाँ देखने में अच्छी लगी होगी। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप बिहार से बाहर से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर गाड़ी नहीं मिल पाएगी, बस बिहार के लोगों के लिए स्पेशल मतलब गाड़ी यहाँ पर मिलती है स्कॉर्पियो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले जय हिंद जय भारत, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए।